हमारे पूर्व विधायक लड्डूराम जी, हमारे मंडल अध्यक्ष देवेंद्र जी, शिवराज सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी, हमारे भोगीराम जी, रणवीर सिंह जी, अनिल सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, मुकेश सिंह जी, हल्का जी, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, सरदार सिंह जी, मोहन सिंह जी, समस्त हमारे महानुभव जो मंचासीन हैं। और झीला की तो ये मेरी परिवार है, मेरे परिजन हैं। झीला का क्या जादू है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन झीला का जादू सिंधिया परिवार पर सवार है। मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब के साथ एक अनोखा संबंध था। मेरे पूज्य पिताजी शाडोरा आते थे पर झीला आते थे, और अभी मुझे बता रहे थे यहाँ नाले पे ही यहाँ भोजन करते थे। हाँ, तो एक संबंध आपके साथ सदैव रहा है। तो आज मैं चुनाव प्रचार में झीला नहीं आया हूँ, आज मैं अपने घर में वापस आया। राम जी ने, अनिल ने, वीरेंद्र जी ने, इतने लोगों ने जो भावनाएं अर्पित की मंच से। चुनाव आता है जाता है, रिश्ते जिंदगी में एक बार बनते हैं और उन्हें बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जीवन की पूंजी है। इसलिए झीला के लिए, अशोकनगर के लिए मैं भारत सरकार का मंत्री नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं आपका परिवार का मुखिया हूँ। जिला की विकास और प्रगति सदैव सिंधिया परिवार की प्राथमिकता रही। अभी जो भोगीराम जी ने कहा, अनिल ने कहा, वीरेंद्र जी ने कहा, रणवीर सिंह जी ने कहा, जिला की जो भी मांग थी उसे पूरा करना मैं अपना दायित्व तो नहीं लेकिन अपना धर्म मानता हूं। झीला में हाई स्कूल, झीला में सेकेंडरी स्कूल, जब पहले मैं यहां आता था तो ये सीमेंट कंक्रीट की सड़क नहीं थी, मिट्टी की सड़क थी, जहां बैलगाड़ी अटक जाती थी, सारा अनाज सड़क पे गिर जाता था। आपने मुझसे मांग की शाडोरा से नई सराय से वजीरपुर की सड़क मैंने ऐसे दी कि आपकी सीमेंट कंक्रीट की सड़क मैंने झीला के बना दी। आज एक अनाज का तिनका नहीं गिरता, और वो इसलिए क्योंकि अगर दिल्ली में अच्छी सड़कें बनती हैं तो उससे ज्यादा अच्छी सड़कें मेरे झीला में बने। मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में ऐसे सीमेंट कंक्रीट के सड़क नहीं है जो झीला में मैंने बना के आपको दे दिया। ये असलियत है। जो आनंद मुझे महसूस होता है और आपको महसूस होता है आज एक सीमेंट कंक्रीट, और बड़ी मुसीबत से मैंने बनाया, बड़े मेहनत से मैंने बनाया, भारत सरकार से सड़क स्वीकृत करना तो मुश्किल, सीमेंट कंक्रीट तो बिल्कुल मुश्किल, क्योंकि ढाई गुना दाम बढ़ जाता है। त्रेपन किलोमीटर की सड़क शाडोरा नई सराय म्याना वाजिदपुर से म्याना तक 100 करोड़ लगाए हैं मुझे, लेकिन दिल में जज्बात हो, झीला के साथ रिश्ता हो, बिजली की किल्लत, बिजली की लट्टू लग जाता था और वोल्टेज टिप 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 समाप्त हो जाता।
पूरे क्षेत्र में अशोकनगर से शुरू करो, तुमेन में मैंने सब स्टेशन दिया, तुमेन के बाद जलालपुर में सब स्टेशन दिया, मसीहपुर में सब स्टेशन दिया, सेमराट में सब स्टेशन दिया, झीला में भी सब स्टेशन दिया, रातिकेड़ा, अमोदा, लिस्ट इतनी लंबी है कि जितने जैसे डीपी लगते हैं वैसे मैंने ऊर्जा मंत्री के रूप में जिला का सर्वांगीण विकास मेरी प्राथमिकता। अशोकनगर से ट्रेन के कनेक्शन, गुना से ट्रेन के कनेक्शन, आप इधर से शाडोरा निकलो, बाएं जाओ तो गुना से ट्रेन पकड़ो, दाएं जाओ तो अशोकनगर से ट्रेन पकड़ो, देश के कोने कोने तक अशोकनगर में इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़, अमृतसर की ट्रेन के अलावा दुर्ग जयपुर की ट्रेन, सूरत मुजफ्फरपुर की ट्रेन, अभी विशाखापट्टनम भगत की कोठी का स्टॉपेज मैंने दे दिया है आचार संहिता लगने के पहले। आपकी दिल में जो मांग हो उसको मैं पूरा करूंगा और जो आप सपना भी नहीं देखोगे वो भी मैं पूरा करूंगा। यही रिश्ता हमारा कायम होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक कर रहे हैं देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए। आज भारत का झंडा विश्व पटल पर उजागर हो गया है, मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना है। हमारा प्रण और संकल्प होना चाहिए कि 7 तारीख को कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए जिला। क्या किया है कांग्रेस? आपके सुख में नहीं, आपके दुख में नहीं, कोई आया है तो सिंधिया परिवार का मुखिया आया है। और आज इसलिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, 7 तारीख को एक एक वोट। प्रधानमंत्री ने आवास योजना बनाया 3 करोड़, आयुष्मान कार्ड 30 करोड़, एक एक व्यक्ति को 5 लाख की स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान कार्ड के आधार। किसान सम्मान निधि आज 12,000 रुपया मिल रहा है, किसको मिल रहा है किसान सम्मान निधि? और अगर मैंने सरकार न बदली होती तो केवल 6,000 रुपया मिलता। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी पैसा अपने पॉकेट में डालते थे, मैंने उनका जेब काट के आपके जेब में डाल दिया। सही किया कि नहीं? अब आपको सही करना है 7 तारीख को, करोगे कि नहीं? करोगे? अच्छे से करोगे? मेरी लाडली बहना बैठी हैं, कितनी लाडली बहना बैठी हैं हाथ उठाओ। 1250 मिल रहा है 10 तारीख को, पैसा मिल रहा है, और अगर मैंने सरकार नहीं बदली होती तो 1250 नहीं मिलते। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी अपने घर के बहना के पॉकेट में डाल देते। तो एक एक लाडली बहना, एक एक उज्ज्वला योजना की बहना, 7 तारीख को मोदी जी की हाथों को मजबूत करना है। करोगे? जिस मोदी जी ने 500 साल पुराना सपना पूरा किया है भारत में, राम लल्ला जी ऐसे टेंट के नीचे विराजते थे, भव्य मंदिर बनाकर राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को कर दिया अयोध्या का। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, ये पैसा नहीं बनता। अरे हो जाएगा, अगर 10 करोड़ उज्ज्वला बहना हो गए, 1,42,00,000 लाडली बहना हो गए, अगर एक बहना मेरी रह गई तो उसका भी मैं काम कर लूंगा चुनाव के बाद। तो जिस प्रधानमंत्री जी ने अभी, अम्मा एक मिनट, मैं आ जाऊंगा भाई, जिस प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम उजागर किया, सनातन धर्म का झंडा उजागर किया है,
जो कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म को नष्ट करना चाहती है, जो सनातन धर्म कांग्रेस पार्टी कहती है कि भगवान राम काल्पनिक है, उस कांग्रेस पार्टी को बोरी बिस्तर बांध के यहाँ से रवाना करोगे कि नहीं? 7 तारीख को एक एक वोट डले, हाथ उठाओ और कमल का फूल बनाओ ऐसे, हाँ ऐसे कमल का फूल बनाओ, अरे लाल घूंघट वाली हाथ उठाओ, हाँ हाथ उठाओ लाल घूंघट वाली कमल का फूल।